हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें देखिए के एक्स क्या दिया है। के एक्स आपका फंक्शन दिया है, एल एन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसका डिक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल दिया है माइनस टी बाई सेवन से टी बाई सेवन। तो हमें टी का क्या करना है, टी का हमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। चले यहाँ से के डैस एक्स निकालते हैं। के डैस एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एन एक्स का क्या होता है, वन बाई एक्स, यानी क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और अपॉन में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंदर चेन रूल लगाएंगे। देखिए चेन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी यू बाई डी एक्स, बी इंटू क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, बी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, बी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टू एक्स का क्यूब, टू एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। टू एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स का स्क्वायर, टू एक्स का स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए माइनस टू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टू एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस का टू एक्स, ठीक है। और प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक कट जाएगा। तो ये क्या लिखा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये टू एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और टू एक्स स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर एक्स का स्क्वायर, टू एक्स से ये टू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ये आपका ये टू एक्स स्क्वायर से ये टू एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर और ये टू एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से एक एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से माइनस ये आ जाएगा, टू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये राइट आंसर है। टू एक्स माइनस एक्स एक्स बच जाएगा, टू एक्स 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 कट जाएगा और माइनस वन माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। टू टाइम्स लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। और अपॉन में क्या है, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से ए डैस एक्स का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टू टाइम्स क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे वाली क्वांटिटी कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको मैं जीरो में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। टू को भी जीरो पर भेज दे रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस वन से वन, एक्स बिलोंग्स टू ऑलवेज क्या आ जाएगा, माइनस वन से वन। तो और इस इंटरवल में ऑलवेज कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और ये इंटरवल किसके इक्वल होगा, माइनस टी बाई सेवन से टी वाई सेवन से। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो टी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, टी का जो सबसे बड़ा वैल्यू हो किसके इक्वल हो जाएगा, सेवन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू सेवन इज द राइट आंसर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेवन इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।